नमस्कार, स्वागत है सभी का। कैसे हैं भाई सभी लोग? आज आप लोगों के दर्शन हो रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरी आवाज़ आ रही है? आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? एक बार मुझे कंफर्म करते चले। और एक विशेष गुजारिश है कि जितने लोग यहाँ पे हैं, एक बार अपनी वीडियो जरूर ऑन रखें, ताकि आप लोगों के सुंदर सुंदर चेहरे मुझे दिखते रहें और अच्छा लगता रहे। लगातार बच्चे लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं, तो जितने बच्चे यहाँ पे जुड़ जाएंगे और जितनों की चेहरा यहाँ पे रंग बिरंगे दिखते जाएंगे, उतना ही अच्छा लगेगा। मेरी आवाज़ सभी को आ रही है, एक बार कंफर्म करते चले सभी लोग। कैसे हैं सभी, अभी मुझे बता दें। यस सभी को आ रही आवाज? बहुत यस बढ़िया। सर कैसे हैं प्रदीप जी, यस उमेश सर अहमद जी, रणधीर प्रजापति जी, रमन जी, शुभम मिश्रा जी हमसे जुड़ गए हैं, अमित जी, आयुष मिश्रा जी, रीति जी, मंजुल मयंक जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लगा इस मंच पे जुड़े हैं हम लोग एक साथ। और ये संडे का दिन होता है जब हम लोग एक्चुअली, बाकी दिन क्या होता है कि आप लोग तो मेरा चेहरा देख लेते हो, रमन सर का चेहरा देख लेते हो, बातें भी सुन लेते हो, आशीष सर का चेहरा देख लेते हो। आपकी तो भड़ास निकल जाती है, हम लोग की भड़ास नहीं निकल पाती है कि हमने अपने एन अच्छे अच्छे मुखड़ों को देख नहीं पाए हैं। तो हमें संडे का सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार रहता है। तो एक बार मैं गुजारिश करूंगा कि सभी लोग अपने वीडियो जरूर ऑन रखें, सब शर्माओ मत हैं। अब अभी कल, हाँ रीति जी बताएं, आपने रेज हैंड किया है, बोले। कल सब पता चल गया, सभी लोग चेहरा अपना अपना ऑन कर लो। कल 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 कल, कल सब पता चल गया कि कितने सर मिले हो तुम लोग। कैसे हैं सभी, एक बार बताते चलें, और कैसा लग रहा है आप लोग ये भी बताते चलें। और मैक्सिमम बच्चे जितना जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पे हमारा वो डबल स्क्रीन पे जा रहा है, तो स्क्रीन हमें थोड़ा यहाँ पे मूव करना पड़ रहा है। एक बार देख ले कौन कौन जुड़ गया है। इधर चंद्र प्रताप जी, सर्वेश जी, सोनम जी, सुषमा यादव जी, अनुपम पटेल जी, प्रगति वर्मा जी, चारू चौहान जी, अनीता जी, सुमित जी, फारिया खान जी, सभी का स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने मित्र यहाँ पे एक साथ जुड़े हैं इस मंच पे। सभी मुझे देख पा रहे हो और सुन पा रहे हो, तो एक बार हाँ जरूर बताते चलो। और बहुत सारे बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, पढ़ ही रहे थे। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है सर। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं हाँ अमित कुमार हाँ सिंह बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आपके पास आ रही है सर? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बताएं अमित सर जी। मैं जी सर सर मेरा एक रिक्वेस्ट है सर। मैं दो तीन बार ये रिक्वेस्ट कर चुका हूँ आपका सर। परसेंटेज का वीडियो नंबर 4 है सर, हाँ वो उसको मैंने देखा है कि वो हेलो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो अमित अमित जी, सर आपकी तरफ से हेलो, आवाज कम आ रही है। हाँ मेरी आवाज आ रही सर है, मेरी जी कम आ सर रही आपकी है, सर आवाज आ मैं रही है। सुन पा रहा हूँ सर। जी, बाकी सब लोग थोड़ा म्यूट कर लेंगे अमित जी के, मैं कहना सुन। प्लीज सब लोग म्यूट कर लीजिए सर, थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए सर। हाँ सर हाँ मैं दो तीन बार आप लोगों से रिक्वेस्ट किया, आपका जो परसेंटेज का एक चैप्टर है वीडियो नंबर 4 है सर, हाँ वो हाँ प्ले नहीं हो रहा है सर, उसमें एक एरर आता है। मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था लेकिन सर अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ सर। अमित जी, वो आपकी बात टीम में आई थी और हमने टेक्निकल था, उसमें कुछ क्या होता है सर्वर एरर आ गया है, तो मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ जाएगा। तो मैं पढ़ा दूंगा, एक बार नहीं 100 बार आपको पढ़ा दूंगा, जितनी बार आप बोलेंगे। तो वो चैप्टर में आपका बहुत अच्छे से वो टॉपिक फिनिश करवा दूंगा, मैं देख लूंगा उस टॉपिक नंबर 4 में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन और वो सारी चीजें मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है जी सर, जी सर। दोबारा और मुझे सर पढ़ाना मैं पड़ेगा, कभी ठीक है, लाइव तो करवा नहीं दूंगा। आपकी क्लास अटेंड कर पाता हूँ सर, क्योंकि एक्चुअली मैं वर्किंग हूँ। आपका बहुत ही अच्छा है सर, आप जिस तरीके से पढ़ाते हैं, जिस तरीके से चीजों को इलोबरेट करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, फायदा हो रहा है आपको। जी सर 100% हो रहा है सर। जी, बहुत अच्छा लगा। तो अभी समय तो थोड़ा कम है और आज हम लोग एक एक से तो नहीं बात कर पाएंगे, लेकिन जिनको भी अपनी बातें रखनी है वो जरूर मुझे बताएं और हम लोग इसके उस माध्यम से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, तो वो अनाउंसमेंट पहले कर दूं या पहले आप लोगों की बातें सुन लूं, क्या क्या बताएं? तो पहले अनाउंसमेंट ही कर दें सर आप। अनाउंसमेंट पहले कर दें? सभी सर्वप्रथम तो सभी लोगों से मेरी विशेष गुजारिश कि सभी लोग अपनी वीडियोस ऑन कर लें। अभी मुझे लग रहा है पर्टिकुलरली नाम लेना पड़ेगा, रीति यादव जी, आयुष मित्रा जी तो आ रहे हैं, अनीता जी आप भी ऑन कर लीजिए, लक्ष्मी जी आप भी ऑन कर लीजिए वीडियो। हाँ आवाज म्यूट रखिए लेकिन वीडियो सभी लोग ऑन कर लीजिए। विनम्रता जी, प्रदीप वर्मा जी सभी लोग ऑन कर लीजिए, राखी सिंह जी
प्रगति वर्मा जी बता भी दिए सर, सभी लोग अपनी वीडियोस ऑन करते चले चले। इधर दूसरे सीन पे भी विवेक कुमार जी, हाँ सभी लोग अपनी वीडियोस ऑन करते चले ताकि आपकी सुंदर सुंदर दिखते चले। भगो दे फिर चावल ना खाए। हाँ मैं थोड़ा सा समय लूंगा ऑन कर ले फिर मैं, क्योंकि बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत विशेष करके। सभी लोग एक बार हाँ वीडियो जरूर ऑन कर ले। अभी भी रश्मि तिवारी जी का नहीं आ रहा है मुझे दिख रहा है, विवेक कुमार जी का नहीं दिख रहा है, रमन जी का नहीं दिख रहा है, विनम्रता जी का नहीं दिख रहा है, इधर सर्वेश जी का नहीं दिख रहा है, अनुपम जी का नहीं दिख रहा है, सुषमा यादव जी, शुभम कुमार जी, सुषमा सिंह जी, चारू चौहान जी, रीति यादव जी, सभी लोग अपने वीडियोज ऑन करते चले गए। अभी बताए आप हमसे कुछ बातें रखना चाहेंगे तो जल्दी से बताएं, फिर हम लोग अनाउंसमेंट करते। मैं बता दूं अनाउंसमेंट किससे रिलेटेड है। सर मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। वीडियो पे आपका वहां पे साइड में फोन से कर रहे हैं ना, तो साइड में लेफ्ट हैंड में सबसे नीचे आपका लेफ्ट साइड में सबसे नीचे वीडियो होगा, उस पे क्रॉस लगा होगा, रेड से उस पे क्लिक करिए हो जाएगा। हाँ तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि आपके साथ आवाज बहुत कम, बहुत स्लो, कम आवाज सुनाई दे रही है, आवाज आ रही है ताकि मैं अपनी बातें रखूं। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि जितने भी प्लेटफॉर्म पे ये परिवार जो जुड़ा हुआ है आप लोग इतने अच्छे। सर आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। मेरी आवाज धीमे आ रही है? नहीं प्रॉपर आ रही है सर आपकी आवाज। अच्छा आवाज प्रॉपर आ रही है। हाँ तो जैसे आपका टेलीग्राम हो गया वहाँ पे 4,000 की संख्या में, 75,000 की संख्या में यूट्यूब पे हम है, 52-55,000 की संख्या में फेसबुक पे हम है, और ये परिवार देखा जाए तो ओवरऑल ग्लोबली देखा जाए तो कहीं ना कहीं 1,00,000 का परिवार अगर हम कहें तो कुछ गलत नहीं है। और इस 1,00,000 के परिवार में बहुत ऐसे चेहरे हैं, बहुत ऐसे नाम हैं जो कल को इतिहास रखने के लिए वो दिमाग रख रहे हैं और वो जज्बा रख रहे हैं, वो मेहनत है उनके अंदर, वो पर्टिकुलर उनकी सोच है, वो दिमाग की मैच्योरिटी है। मैं अगर बोलूं अपनी स्टाइल में एक लाइन में तो साम दान दंडभेद वो सब है। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं और अधिकतम का मैं जिनका मुझे नाम तक याद है, बहुत सारे ऐसे नाम का लिस्ट अगर बोल दिया जाए तो मुझे लगता है कि 100-150 लिस्ट को मैं अगर लिख दिया जाए दीवार भर जाएगी। इतने नाम मैं लिख दूंगा जो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये बच्चा इस एग्जाम में इतनी रैंक लेके आएगा, इस सिलेक्शन पोस्ट पे जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे ऐसे बच्चों पे। और शुरू से आशीष सर मैं ये देखते आ रहा हूँ कि हमसे जो बच्चे जुड़ रहे हैं वो बहुत ही प्रतिभावान बच्चे जुड़ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये रमन सर हुए, आप हुए, अन्य फैकल्टीज हुए, इतना अच्छा इतना मेहनत करते हैं उसका वो है, इतने बच्चे हैं वो और अपने फ्रेंड सर्कल में सजेस्ट कर रहे हैं उसका कुछ योगदान है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो ये परिवार है, ये परिवार बोलते हैं ना कि एक लाइक माइंडेड और स्मार्ट माइंडेड लोगों का परिवार बन गया, बहुत अच्छा लगता है। जितने दिन से हम लोग जुड़े हैं उस दिन में हम लोग क्या करते हैं, जितनी निगाहें आपकी यहाँ पे 6 निगाहें तो आपको दिख रहे होंगे है ना, एक तो आपकी सबसे तेज निगाहें, 2 निगाहें रमन सर की, फिर मेरी निगाहें और आशीष सर की निगाहें, इनकी 4 निगाहें, तो कुल मिला के टोटल 8 निगाहें आपको 24 घंटे वॉच करती रहती हैं। कैसे? आपका पर्टिकुलर एक्टिविटी से, आपके क्वेश्चन करने के, आपके क्वेश्चन करने के तरीके से, क्वेश्चन के आपके उत्तर देने के तरीके से, आपके क्लास अटेंडेंस से, क्विज से, टेस्ट से, और भी बहुत सारे ऐसे परफॉर्मेंस हैं, और कई बार आपके शिकायतों से, जब आपका स्क्रीनशॉट किया और बच्चा हमें देता है कि देखिए सर इसने ऐसा ऐसा किया, तो ऐसे बहुत सारे चीजों से हमें ये पता लगने लगता है कि हमारे पूरे जो इस परिवार में है बच्चे कैसे हैं और कितने अच्छे हैं और किस लेवल के। तो 24 घंटे आप पे नजरे हैं और ये जो विजिलेंस है, इस विजिलेंस ने एक नतीजा निकाला है कि आज के इस दिन पे है ना, एकदम सभी लोग तो बोल रहे हैं बहुत विशेष है, लेकिन मैं तो ऐसा लगता है कि ये विशेष दिन इसलिए क्योंकि ये आप लोगों के लिए दिन है और आप लोगों के लिए इतना मैं कुछ कर पा रहा हूँ, इतना सोच पा रहा हूँ, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि इतना मुझे हमेशा बुद्धि देते रहे कि आप लोगों के लिए हमेशा नए नए प्रोग्राम, हम पूरी टीम मिलके एक नया कोर्स हमेशा कुछ ऐसा डिजाइन करें, कंटेंट क्वालिटी जो है इतनी हाईएस्ट क्वालिटी हो कि कोई उस पे मतलब एक पेंसिल का डॉट ना लगा पाए, कि यहाँ पे एक उंगली भी उठा पाए,
लगातार दिन रात मेहनत करते हैं और करते रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना भी है कि वो जज्बा, वो मेहनत, वो सोच हम लोग को हमेशा देती रहे और ऐसे बच्चों को हमेशा हमारे साथ जोड़ते रहे। तो अभी मैंने जैसे बोला कि वजलन से हम लोगों ने कुछ बच्चों को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया है, जिसको आज अभी पहले नाम नहीं अनाउंस करेंगे, नाम लास्ट में अनाउंस करेंगे। नाम अनाउंस नहीं करना है अभी, तो इनसे बात करनी है कि ये हमसे क्या क्या चाहते हैं, इनकी क्या है वो सर नाम डिमांड। सर बीच में तो बिल्कुल वॉइस नहीं आती है सर, डिमांड हम लोग सुनेंगे, वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही सर, बीच बीच में बिल्कुल गायब हो जाएगी। लास्ट तक इंतजार करें इनके अंदर। चंद प्रताप जी क्या कर रहे हैं आप? सर वॉइस कभी कभी तो बिल्कुल नहीं आती और बहुत स्लो सुनाई दे रही है सर। अरे वो आलोक सर आज थोड़ा सा मतलब धीमे बोल ही रहे हैं, आप समझ रहे हैं, अभी आवाज उनकी बढ़ जाएगी। अच्छा, आपकी तो सही आ रही है। मेरी ऊर्जा हमेशा बरकरार रहती है। चंद्र प्रताप जी हो सकता है नेटवर्क इशू हो, और मैं कभी भी अपनी ऊर्जा कम नहीं होने दूंगा। विनम्रता जी कुछ कह रही है, आप इनका मैसेज पढ़ लीजिए। ज्ञान से मेरा एक नया ज्ञान बना है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। मनोज आर्या जी, विनम्रता जी कह रही है कि आप प्लीज टेल मी, आपका मैसेज नहीं आया। बहुत सारे बच्चे चैट भी कर रहे हैं, तो रमन सर आप निगाहें इधर भी लगाए रहिए, मैं साइड में आपको देखता रह रहा हूँ और बताने से चल रहा जब भी इनका उत्तर देना होगा। हाँ, तो मैं नाम अभी नहीं बताऊंगा, नाम लास्ट में बताऊंगा, 5 मिनट के अंदर बताऊंगा। लेकिन कुछ ऐसे वो 10 नाम है जिनके लिए टीम विशेष उपहार लेके आई है, जिनकी एक्टिविटीज से, जिनका परफॉर्मेंस से यहाँ पे आया है। तो अभी हम लोग चलेंगे और आप में से जिनको भी प्रश्न पूछना है तुरंत प्रश्न पूछ सकते हैं। जो सबसे पहले कौन पूछना चाहेगा, कोई भी समस्या, कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी, कुछ भी कहना चाहें आप बताएं, मांग सकते हो आज जो चाहे वो मांग सकते हैं, तैयार है। आप में से किसको क्या कहना है? सर फर्स्टली तो हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रश्मि जी। जी सर मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। आप वीडियो नहीं ऑन हो रहा है आपका? आपका देखिए फोन में लेफ्ट हैंड में आपका वीडियो वो बना होगा। नहीं नहीं, वो डिवाइस सेटिंग मांग रहा है। अच्छा, तो मे भी आपके फोन में कोई एरर होगा, कोई दिक्कत नहीं रश्मि जी, आपका नाम जी जी जी। सर मैं उन्नाव से हूँ। उन्नाव से हैं, बहुत बहुत स्वागत है उन्नाव से। क्या हाल है उन्नाव के? उन्नाव के बस बढ़िया है, अब तो अनलॉक भी हो गया है। हाँ, मैं तो जिलावा सर विश्लेषण भी करता हूँ, मैं तो पूछता रहता हूँ बच्चों से। जरूरी आज तो सब जी, लेकिन मैं आज उन्नाव के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा रश्मि जी, आज आप बताएंगे। जी कभी अचानक जो पहुँचना हुआ जी। हाँ जी जी बिल्कुल आइए, जरूरी है ना। पीडी नगर में रहते हैं, फॉर्म भरवाएंगे, इन सभी का एड्रेस लेंगे इन लोगों से। जी रश्मि जी क्या कहना चाह रही बताएं। सर मुझे पीसीएस की फी पूछनी थी। पीसीएस की फी, अरे इतने अच्छे मौके पे आप फी पूछ रही है। अरे आप सबकी सब कुछ फ्री है, 25% है आपके लिए। जाइए वहाँ पे ऐप इंस्टॉल करिए, वहाँ पे फीस देखिए, आलोक 75 और आपका 25% केवल दाम पड़ेगा, 75% आपका ऑफ हो जाएगा। कितनी भी फीस हो, कभी 500 से ज्यादा, आज कोई कोर्स 500 से ज्यादा मिलेगा ही नहीं आप लोगों के लिए। आलोक सर को 75 साल का बना दिया गया है, 25 साल की उम्र इनकी बची है सर। मैं तो कहता हूँ सर की मेरी उम्र भी सबको लग जाए, मैं तो चाहूंगा मैं ज्यादा जीऊँ ताकि मेरी उम्र भी सबको लग जाए, तो सब ज्यादा ज्यादा जी। हाँ क्या कह रही बताए अभी विनम्रता जी पे आते। विनम्रता जी आप बताए जल्दी से। हेलो सर। जी विनम्रता जी बताए। जी सर सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर पहले सबसे पहले मेरा बेटा था रमन सर का बेटे, तो वो उसको बस बोलना चाहता है। रमन सर आपके सामने मिलवाइए उससे। हेलो, हाय, हाल है? जी बताए, मस्त रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मयंक जी। क्या नाम है? आयांश वर्मा। अयांश जी, हाँ जी बताएं, आप हमसे मुलाकात करना चाह रहे थे बहुत दिनों से। अच्छा तो आप, कुछ अयांश जी आप मैंने क्या दिखते हैं, योगी जी दिखते हैं। एक्चुअली ये रात में जो क्लास आती है 9 o'clock पे, तो मेरा बेटा बहुत क्रेज रहता है, हम कुछ भी कर रहे हो तो वो जरूर याद दिलाएगा कि सर आने वाले, सर आने वाले, वो जरूर देखेगा, वो हम देख नहीं पाए लेकिन वो जरूर देख लेगा। वो देख के उससे जब आप काम में फंसा रहा करिए तो बोल दिया करिए आप देख लो मुझे पढ़ा देना बाद में, समझा देना सर। हाँ, वो देखता है, वो सर की क्लास तो बिल्कुल मिस नहीं करता है। और ये बहुत अच्छी बात है प्रगति जी, प्रगति नाम है, विनम्रता नाम है आपका?
जी प्रगति नाम है, प्रगति नाम है, और टेलीग्राम पे एक्चुअली वो प्रगति नाम से ले नहीं रहा था इसलिए प्रेगी नाम से बना हुआ है। अच्छा, तो प्रगति जी ये मैं बोल रहा था कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे आज से ही पढ़ने में इंटरेस्ट लगा रहे हैं। जैसे बच्चों का क्या होता है, कभी कार्टून पसंद आता है, मैं तो एक बार अचंभित रह गया, रमन सर में ऐसा कौन सा कार्टून दिखता है, तभी मैंने पूछा कि योगी जी तो नहीं दिख रहे हैं। तो बच्चों की पसंद पहली कार्टून होती है, फिर भी अगर पढ़ाई से रिलेटेड पसंद करते हैं तो इसका मतलब आपने बहुत अच्छा उन्हें संस्कार दिया है, बहुत अच्छा उन्हें माहौल दिया है और बच्चा बहुत आगे जाएगा, है ना। ये आप बढ़ाई करने योग्य हैं और आप हाथ जोड़ के प्रणाम करने योग्य हैं कि बच्चों में वो चीज आज आप डाल रहे हैं। जी सर, रमन सर सभी के फेवरेट हैं जी, मेरे बच्चे भी क्लास बहुत याद करते हैं रमन सर की। हाँ, कोई और बोल रहा है, मुझे आवाज नहीं आ रही है। सर रश्मि बोल रही हूँ। हाँ बताएं। सर मेरे बच्चे भी रमन सर की क्लास बहुत मिस करते हैं, सुबह 10 वाली और रात में 9 वाली। मुझे लगता है कि ये दशक बीतने के बाद रमन सर के सबसे ज्यादा फैन फॉलोअर यही लड़के होंगे। सर रमन सर मोमोज की पार्टियां ज्यादा देते हैं ना बीच बीच में, इसलिए बच्चे ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बच्चे ज्यादा खुश होते हैं। रमन सर एक्चुअली वो मोमोज और चटनी भी देते रहते हैं, तो बच्चों को तीखी वाली चटनी किसी किसी को याद आ जाते हैं, मोमोज वाले सर आ गए, कभी रास्ते से पूछ लेंगे वो मोमोज वाले सर आ गए, है ना। तो हेलो, देखिए मैं वही बनना चाहता हूँ जो गाँव में पहले क्या होता था, जो है खिलौना बेचने वाला आता था, तो मेरी क्लास वैसी रहती है कि रात 10 बजे तो सारे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हैं, सब के सब पहुंचे, ठीक है। उसी के लिए प्रयास रहता है कि आप लोग आए एक घंटे के लिए आए, लेकिन इतना ऊर्जा लेकर जाएं कि रात 2 बजे तक पढ़ाई करें, सिर्फ एक उद्देश्य के साथ मैं पढ़ाता हूँ। और मैं खुद इतना मस्ती में रहता हूँ कि मुझे क्या चीजें वहां पर होती है कुछ अता पता नहीं चल रहता है, और खासकर ये चीज रहती है कि इस क्लास का इतना क्रेज होता है। बिल्कुल सर, होना भी चाहिए, सभी एज ग्रुप वालों को एजुकेशन जाना भी चाहिए। पता लगा सकते हैं सर क्लास में कितना डूब जाता है। भरा भरा रखा है, कोई लेगा ही नहीं। जी हेलो, और कुछ बोलना है जी? मोहित जी बताएं। हेलो। हाँ सर, पहले सर आपको विश वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहित जी, बताएं। सर मुझे सर परीक्षा प्लस से मेरा जो अनुभव रहा सर, बहुत बढ़िया अनुभव है सर। खासकर सर मुझे मैथ का बहुत डर लगता था सर। जी आपकी आवाज कम आ रही है, क्या कह रहे हैं? हेलो जी सर, मुझे मैथ से बहुत डर लगता था। मैथ से डर लगता था जी, जो कि आपके द्वारा पढ़ के ना सर, और मुझे कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो रहा है बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर, आपका आजकल मैं समझता था कि सर किस सवाल को अलग अलग तरीके से पढ़ाता है। पर सर जब मैंने आपसे परसेंटेज पढ़ा, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, तो मुझे सिक्वेंस लग रहा है कि एक चीज को हर चीज आप इसी से करते जा सकते हो। पहले मुझे लगता कि हर चीज में टेक्निक अलग लगानी पड़ेगी सर। नहीं, और सर बहुत ही अच्छा अनुभव है सर, बहुत ही मजा आ रहा है सर पढ़ने में। अभी आपसे सारे प्रश्न लग जाते हैं एक ही मेथड पे, केला वाली गणित पे? हाँ सर, कोशिश तो रहती है लेकिन कुछ में जो अटक जाता हूँ, तो सर जो मेरे ब्रदर है जो, तो मैं उनसे कुछ चीजें पूछ लेता हूँ सर। अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन सर निकाल ही लेता हूँ जो आप हम लोगों को पीडीएफ सेंड करते हैं सर, और हमें सर इस चीज का एक चीज अनुभव बहुत बढ़िया रहा है कि आप जो चीज पढ़ाते हो उसके बाद पीडीएफ दे रखी है उसमें से सॉल्व करो, उसी आधार पे होते हैं अधिकतर क्वेश्चन। हाँ एग्जैक्टली, इससे हमारा बेस कते क्लियर हो जाता है सर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और सवालों को बहुत गहराई से पढ़ाते हैं सर। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी, आपने तो बढ़ाई की पुल बांध दिया, और इसके लिए विशेष साधुवाद आभार आपको। और बस मेरी खासकर सर मैं आपका पेड स्टूडेंट नहीं हूँ सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं आपका पेड स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं आपके फ्री ऑफ क्लास देखता हूँ यूट्यूब पे। आप फ्री स्टूडेंट हैं, आप तो और स्पेशल हो गए थे। और सर एक्चुअल में मैंने सर अधिकतर लोगों को यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको बेसिकली मैथ पढ़नी है तो आप जाकर एक बार परीक्षा प्लस की जरूर मैथ और हिंदी को जरूर पढ़िए। आप हिंदी का भी सर जो उच्चारण है सर ना सर का, बहुत ही लैंग्वेज में सर अलग ही दम है। जितना सर हमारी लैंग्वेज में दम होगा ना सर, उतना अप्रिशिएट होता बंदा जी। वो सर हिंदी में है मुझे सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रोनंसिएशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, और रमन सर के वैसे भी वाणी में सरस्वती जी भी विराजमान है, तो ये तो मैं भी बोलता हूँ ईश्वर के द्वारा दिए हुए कुछ चीजें सर, कुछ चीजें सर आप में है। जैसे कि सर एक होता है ना कि लोग होते हैं जो टीचर और मित्र का एक फासला होता है ना सर, तो वो एक होता है टीचर बहुत अपर लेवल रख के लोग पढ़ता है, अपने आप को बहुत मानता है, लेकिन आप जैसे जो आज के यंग जनरेशन है
जिसे जो पढ़ना है कि हाँ आजकल की गली मोहल्ले वाली लैंग्वेज यूज करके, जैसे कि सर आपका एक डायलॉग है, मैंने तो आपका नमक खाया है तो सर आई वेरी अप्रिशिएट सर की हाँ, क्योंकि सर आजकल की जो जनरेशन है उनको, अब मैंने आपके पैसे का तो नमक नहीं खाया, आपने पैसे ही नहीं दिए, लेकिन मैंने यहाँ पे तमाम सारे लोगों के जुड़े हुए पैसों का तो नमक खाया है, और ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं कहीं भी वो कमी ना छोड़ूं कि आपके दिमाग में एक संसार रह जाए, वो चीज समझ में ना आए। नहीं सर, इससे सर ना एक चीज ये है ना कि सर जो आज की जनरेशन है ना, तो हम लोग को ऐसी लैंग्वेज ज्यादा कैप्चर कर लेते हैं हम लोग, सर ने ऐसा बताया था। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोहित जी आपसे मिलते रहेंगे, गौरव गुप्ता जी, उवेश जी हैंड रेज कर रहे हैं, विनम्रता जी जी बताएं। हेलो हेलो सर। हाँ हाँ मित जी बताएं, दो लोगों की आवाज आ रही है, बताएं। मुझे ऐड कर लो ग्रुप में। जी सर, मैं अनुपम पटेल बोल रहा हूँ। जी अनुपम जी, स्वागत है आपका। जी सर, मैं इलाहाबाद से हूँ। जी इलाहाबाद से बहुत बहुत स्वागत है, क्या हाल है प्रयागराज की? जी सर बढ़िया, अभी तो मैं सिर्फ दिल्ली में वर्किंग हूँ। अच्छा, अभी आप दिल्ली से हैं? अच्छा जी सर, अगर मुझे सर अगर ये रमन सर सर का टोनिंग जो है पढ़ाने का सर बहुत अच्छा लगता है। किसका? रमन सर का? जी सर, एकदम पहली बार इनका वीडियो मैंने देखा था यूट्यूब पे। हाँ हाँ सर, इनका तो मैं एकदम फैन हो गया सर इनका। और दो तीन दोस्त थे सर, उनको मैंने ASI का बैच परचेज कराया है और मैंने भी करा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वो जितने भी लड़के इनका सर देखते हैं ना, कहते हैं कहां से आपने इनको ढूंढ लिया। हमको यूट्यूब पे प्रयागराज में मेरे भी मित्र हैं, तो प्रयागराज में तो ये वाकई में योगी के नाम से फेमस हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि योगी जी पढ़ाते हैं। जी सर जी सर, कभी दिल्ली आना होगा सर तो बताइएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों से जरूर मिलेंगे सर। मुझे कुछ कहना है, आईएफ भी एक इंप्रूव कर सके तो सर अच्छा रहेगा। थोड़ा समय कम है आज, थोड़ा थोड़ा ही बात करते हैं, फिर हम लोग ऐसे बात कर लेंगे अभी। जी सर, थोड़ी सी क्वेरी है सर ऐप पे। हाँ हाँ जी सर, इसमें जैसे वीडियोज होते हैं तो कभी नेट का इशू होता है, तो मैं चाहता हूँ कि सर जैसे कभी किसी के वाईफाई लेके हम लोग वीडियो डाउनलोड कर ले, फिर बाद में उसको देख ले, ऐप पे ही रहे हालांकि, तो सर अगर इस तरह से कुछ सुधार हो सके तो कर दीजिएगा। ठीक है, सारी टेक्निकल समस्याओं का समाधान हम लोग बाद में भी एक सेशन रख के कर लेंगे, अभी हम लोग थोड़ा बच्चों के और भी जो है क्वेरीज उसे ले लेते हैं। गौरव गुप्ता जी सर, जी जी बताएं बताएं। सबसे जी कैसी है, स्वागत है जी। थैंक यू, मुझे ये पूछना था कि मैंने GIC इकोनॉमिक्स से फॉर्म भरा है सर, उसकी बैच तो चलती नहीं है, तो उसको गाइड कर दीजिए थोड़ा। जी देखिए, बैच रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम लोग बाद में बात कर लेंगे, अभी मैं इतना इन्फॉर्मेशन दूंगा GIC में GS हम लोग पढ़ते हैं, बाकी सारी चीजें हम लोग अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी बहुत सारे बच्चे और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक है, तो इस सिलसिले में बाद में बात कर लेंगे या फिर कॉल पे बात हो जाएगी। और जी बताएं, आप आपका आपका म्यूट है, तब तक आयुष जी बताएं। जी सर, सुन ही नहीं रहे आप। आयुष जी बताएं सर, हैप्पी बर्थडे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आयुष जी, बताएं। सर मैं ये कह रहा था, हाँ हाँ सर, जैसे तैयारी लगभग सर ये जूनियर एडेड वाले की पूरी हो गई है हम लोगों की, हाँ सर मैं ये चाह रहा था क्या मतलब एक दो सर फुल लेंथ टेस्ट करवाएंगे क्या सर, वीडियो के? मतलब पूरे सर कोर्स जो ठीक है, टीम परीक्षा प्लस उत्तर प्रदेश में होने वाले तमाम परीक्षाओं के सभी के आपको कुछ ना कुछ टेस्ट जरूर अवेलेबल करवाएगी, जिस कोर्स को नहीं भी निकालेगी उसके भी 4-5 टेस्ट तो आपको फ्री में आपको अवेलेबल ही करवा देगा। ठीक है जी सर, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि सर की फुल में हम कितना कर पा रहे हैं। नहीं नहीं, करवा दिया जाएगा सारे टेस्ट करवा दिया जाएगा। हेलो सर। हेलो जी जी, गौरव जी बताएं। जी सर प्रणाम सब लोगों को। जी जी, खुश रहे, मस्त रहे सर। मैं चित्रकूट से सर, हैप्पी बर्थडे। जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बताएं। सर आप लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, ये सब तो आप लोगों का प्रेम है। मेरा तो नहीं दिखाई दे रहा है वीडियो। ये एक होता है ना, एक इंसान कुछ करना चाहता है, एक इंसान को जबरदस्ती कराया, तो हमें जबरदस्ती कराया जाता है, और वो जबरदस्ती वाली जो स्ट्रेंथ है, पावर है, वो कहाँ से आती है? आप लोग की स्नेह से आती है,
जैसे कई बार होता है हमारा कोई काम करने का मन नहीं करता, चप्पल झाड़ू उठाती हैं और फिर उन्हें देख के एकदम सरपट सारा काम हो जाता है फटाफट। तो ये ना एक पावर जो होती है ना, जो सप्लाई आता है वो हमारे अंदर भी सप्लाई आप लोग की इस प्रेम इस आता है। आज के सेशन से ही ये पावर सप्लाई आएगा। हाँ। जितना जोरदार तरीके से आप लोग जितने अच्छे बढ़ेंगे और तेजी से हाँ हमारा आउटपुट भी बढ़ेगा, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, पूरा टेक्निकल तो नहीं हो रहा है। बताएं गौरव जी, हाँ कोई समस्या और? और परम सत्य धाम वाला रमन सर का डायलॉग बहुत अच्छा है। रमन सर प्रणाम। रमन सर कोई और बोल रहा है? हाँ बताएं, आप अभी बताएं किसका नंबर है? प्रदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे बताएं। हाँ सर जी, जन्मदिन की बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर जी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। और माता पिता के लिए मेरी माता पिता के लिए मेरी तरफ से जिन्होंने इतना ऑन हार लड़के को जन्म दिया जी, मैं आपकी बात ये प्रेषित कर दूंगा और मैं उनसे जरूर बोलूंगा कि आज आप सीना चौड़ा कर दो कि हमारे छात्र आपके पास सीधा संदेश भेज रहे हैं कि आपने मुझे पहना करके अच्छा किया। अरे सर इसमें कोई दोहरा नहीं है सर, इसमें कोई दोहरा नहीं है जी जी। बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप जैसे छात्र और ये बातें सुनने को मिलती हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जीवन का सही उद्देश्य अब हो रहा है, जो मैंने कभी सपना देखा था कि ये मैं एक संस्था एक ऐसी बुनियाद रखूंगा जहाँ पे एक ऐसे बच्चे जुड़ेंगे, ऐसा परिवार जुड़ेगा जिसके भविष्य संवारने के लिए पूरा मेरा दिन पूरी रात होने के लिए होगा। आज वो चीज रियलाइज हो रहा है कि नहीं, मैं कभी भी गलत नहीं था, मैं अपने रास्ते पे एकदम सही था। और बहुत ही अभी बहुत रास्ते तय करने हैं, बहुत ज्यादा मंजिल पे ऊंचे जाना है और ये परिवार को भी बहुत ज्यादा बढ़ाना है। तो आप लोग की इस स्नेह प्रेम और इस दुआओं से साथ संभव हो सकेगा। बिल्कुल सर। सपना जी कुछ कहना चाह रही हैं? सपना जी बताएं। सर जी एक बार और बोल। हाँ, बोल रहा था कि सिलेक्शन तो ले ही लेंगे, सभी ले लेंगे हम, ऐसी बात नहीं है सर, आपका आशीर्वाद रहा। तो बोल रहा था मेरा पैक खत्म हो रहा है सर, पैक बनवा दीजिए। मंजिल भैया को बोलिए पैक बनाओ। मैंने कहा मेरा पैक खत्म हो रहा है, मंजिल भैया को बोल के पैक बनवाइए मेरा। आपका पैक आज भरवा दिया जाए। हमारा पैक अभी हम बनाएंगे, 70% बचा है ना उसमें से कुछ। चलिए सपना जी बताएं। आपका म्यूट है आपका। हाँ बताएं सपना। हाँ जी सर, हैप्पी बर्थडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं। हाँ जी सर, आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है हमको। क्या अच्छा लगता है? मैं सुन नहीं पाया। आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है। क्लास बहुत अच्छा लगता है। दरअसल मुझे बड़ाई सुनने की 4-5 बार आदत है, तो एक बार में मेरा पेट नहीं भरता है। चलिए बताएं। यानी मतलब सभी टीचर्स का अच्छा लगता है, रमन सर का, आपका, आशीष सर का, बहुत बहुत सभी का अच्छा लगता है। सभी के तरफ से एक बार विशेष तरह से धन्यवाद। कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रही हैं, तो हो सकता है अभी लिंक आपको दोबारा देना पड़े, तो हर जगह प्लेटफॉर्म पे लिंक जाएगी, तो आप वहां से दोबारा जुड़ जाइएगा इन केस सेशन एंड हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। चलिए और कुछ कहना है? नहीं सर, कुछ नहीं कहना है, बस हैप्पी बर्थडे। ये फिर बात होती रहेगी। और कोई हमसे? सर हमारी आवाज आ रही है? बताएं, अभी अनाउंसमेंट भी हो रहा है, जाना नहीं है, सभी को जुड़ के रहना है। हाँ अमर जी बताएं, कैसे हैं अमर जी? बहुत दिन बाद आपके पास हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो, सबसे पहले आते हैं, इनका नंबर पहले था। आचा जी बताएं, आपकी वीडियो नहीं। हेलो सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताएं आचा जी। हाँ सर, मुझे तीनों सर का क्लास बहुत अच्छा लगता है, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, बस नहीं आचल जी, बस इतने में ही। हेलो। हाँ बस हो गया। मुझे लगा आशीष सर की 3-4 बार आचल जी कुछ मैसेज करें, कुछ लंबा चौड़ा सा रखे होंगे चिट्ठा उठा लेके। अभी आवाज सुनाई दिया सपना का, बस नहीं बस बहुत है। सही बात, लेकिन बोलना हुआ तो बस 2 लाइन बोल के बस सर। नहीं यार, हम लोग टाइप करने में ज्यादा वो रहते हैं, बोलने में उंगलियों से ज्यादा मेहनत करवाते हैं आप लोग। ये सर सपना टाइपिंग बहुत करती है ना जी। सर सपना टाइपिंग बहुत करती है, बोलने में बहुत कमजोर है।
हाँ पूरे परीक्षा प्लस परिवार इससे परेशान है जी सर, पार्टी कब मिलेगी हम लोगों को? चलिए खैर, ऐसे भी लोग बहुत अच्छे होते हैं, मैं आज खुले मंच पे इसकी बड़ाई करना चाहूंगा। पढ़ने में भी अच्छा हो, शरारत में भी अच्छा हो, सब में अच्छा हो, चंचल अगर सपना नहीं होती तो क्लास में अच्छा नहीं लगता है। जी रश्मि जी, जी अगर सपना क्लास में नहीं होती है तो फिर मजा नहीं आता। हाँ, अधूरा अधूरा सा लगता है, लगता है रौनक नहीं है, आज लग रहा है लाइट धीमी सी आ रही है। हाँ। जी 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 जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई, और कोई देवी एवं सज्जन यहाँ से? जी बोलिए गुरु जी। हाँ राहुल जी, बताए क्या हाल है? हेलो, हाँ हाँ आ रही आवाज। अरे गुरु जी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो पार्टी के लिए हम तैयार बैठे हैं गुरु जी, देखो आपके लिए स्पेशल लेके आया था मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और ये पूरा का पूरा जूस का एक एक बूंद पी जाइएगा, और इसे जूसी रहने दीजिए, इसे कॉकटेल और मॉकटेल मत बनाइएगा जैसा आप लोग कल बना रहे थे। वो गुरु जी सिखाइए, ये सब हानिकारक है। चलिए और कोई बताएं। सर बोल रहा था सर, मेरे हाँ हाँ पवन जी बताएं, आपकी वीडियो नहीं आ रही है। सर नमस्कार। नमस्कार, सर नमस्कार। हाँ बताएं। सर हैप्पी बर्थडे। फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन जी, बताएं। सर मैं कहती रात की जो क्लास चलती है 10 बजे वाली, रमन सर वाली। हाँ आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। रमन सर की जो क्लास चलती है 10 बजे वाली, कौन सी क्लास? वास्तव गुरु में खेल दिया करे 10 वाली क्लास का। क्या कहना चाहिए, आपकी आवाज स्लो आ रही है। चलिए कोई टेक्निकल इश्यूज होगा तो फोन पे हम लोग कांटेक्ट कर लेंगे, है ना, कोई टेक्निकल इश्यूज के बारे में फोन पे बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना, कॉल से अपना बात कर लीजिएगा। सर हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अमर जी बताएं। जी ट्रांसफर सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमर जी। सर सबसे पहले सर आपको आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आशीष सर और रमन सर को भी ट्रांसफर। जी खुश रहे, मस्त रहे सभी की तरफ से। और सर हम ये तो कहना ही चाहेंगे कि कौन से सर अच्छा पढ़ाते, क्योंकि तीनों जो देव है हमें ही लगता है कि कोई मतलब कोई किसी से कम है, सारे एक से बढ़कर एक है। तो बस एग्जैक्टली यही मैं भी कहना चाह रहा था, और आप मेरे मन की बात छीन लिए। ये मंच ऐसा है, ये परीक्षा प्लस परिवार ऐसा है जहाँ पे कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से ज्यादा नहीं है, सभी लोग अपने अपने बोलते हैं ना कि इन ओन स्टाइल, सबकी एक अपनी स्टाइल, और अपने स्टाइल में वो टॉप पे है ना सभी लोग। और यही नहीं, हम लोग रहती है कि हम लोग मिलके एक जो डिसीजन ले, और बाहर से और भी जो फैकल्टीज लेके आए, वो चाहे इल्साद सर हुए, चाहे खालिद सर हुए, या मृत्युंजय सर हुए, या फिर आपकी वो डॉक्टर मैत्री मैम हुई, ये सभी जितने हैं सभी को एक से एक अभी मौका कम मिल रहा है, सभी को अपनी प्रतिभा दिखाने का। फिर आप देखोगे ये टीम एकदम है जो शायद इस पूरे के एजुकेशन लाइन में किसी के अंदर नहीं है, ये बात मैं बहुत खुल के बोलता हूँ। और हमेशा हम लोग की सर्च भी ऐसी रहती है, तो मेरे दिल की बात बोल दिए हैं कि आप यहाँ पे सभी लोग इन देयर ओन स्टाइल हमेशा अपने टॉप पे हैं, है ना, ये बहुत अच्छी बात बोले अमर जी। हाँ जी बिल्कुल, ओके थैंक यू सर, बस यही कहना चाहेंगे। और प्रदीप को बुला दो, उसने कल रात में कुछ ज्यादा पिला दी। अरे पवन, अरे भैया मैं यही पे हूँ। प्रदीप भाई बहुत, अरे भैया चलिए चलिए आप लोग आपस में कर लीजिएगा, तब तक रीति यादव जी कुछ कह रही है। हाँ बताइए रीति सर। चलिए कोई और जुड़ना चाहेगा हमसे, कुछ अभी उनके दिक्कत। हेलो सर। जी हामिद जी। हेलो सर कैसे हो? बढ़िया हूँ हामिद जी, बहुत बढ़िया, आप बताएं। सर मैं भी अच्छा हूँ सर। जी और कैसी चल रही तैयारी? आज ही आप मेरे ख्याल से जुड़े हैं कोर्स। हाँ सर मैं आज ही ऐड की। जी सर जी। हाँ हाँ हाँ, तो कैसी चल रही तैयारी, कैसा लगा सब कुछ देख के? एक दिन में तो अभी देख नहीं पाए होंगे आप। अभी तक तो सारी चीजें अच्छी लग रही हैं आपके सर, लेकिन देखो क्लास अभी मैंने कोई अटेंड नहीं किया सर। आपकी क्लास अटेंड की थी, वो भी सर आपने थोड़ा समझाया जिसमें मैंने आपको व्हाट्सएप किया था। हाँ हाँ, आप बोल रहे थे कि हाँ वो उसमें सिलेबस के बारे में बताया था आपने सर। हाँ हाँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी आपको पढ़ाने का तरीका। जी जी सर। सर हाँ हाँ बताए सर, बोल रहा था वो बता दीजिए सर कौन टॉप पे आया है, नाम तो दे दीजिए।
चलिए अभी अभी अगली लिंक जाएगी, उसमें सभी लोग जुड़िएगा और उसमें सभी लोग यहाँ पे देखिए जितने लोग मौजूद हो इन्हीं में से कोई एक चेहरा है, कोई नाम है, बड़ी सी फोटो आएगी है ना, कांग्रेचुलेशंस की मैसेज हमें सर सर हमें सर अभी तो अभी इसमें पता चल रहा है सर, जो लास्ट में है उसको भी कुछ ना कुछ दे दीजिएगा सर, इसको अरे सर लास्ट सबसे हम है सर, जो लास्ट में है उसको भी सर कुछ ना कुछ टॉफी ओफी दे दीजिएगा सर जी, जरूर सर सपना नहा धो के बैठी हुई है उसको दे दो, सारी सभी बच्चों को कुछ ना कुछ भाई सर आगे बढ़ते हैं, ऐसे आप कुछ टेक्निकल इशू होंगे सर, बर्थडे पार्टी का केक दे रहे हो सर, आप लोग आ जाइए, मैं तो पूरा इंतजाम करके रखा था, अभी मैं कैमरा पीछे नहीं दिखा सर, आने की नहीं हो रही सर, देखो डिस्काउंट तो करना पड़ेगा यहीं पे, डिस्काउंट तो बिल्कुल 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 सर, आपको पता है कि हम आ नहीं सकते, आप सोच रहे हो हम जा नहीं सकते क्या सर, जल्दी से बताइए कौन है, बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, थोड़ा सा और अभी बहुत सारे बच्चे हैं, प्रिया श्रीवास्तव जी, ब्रजेंद्र साहू, रमन सर नहीं दिख रहे हैं, शुभम मिश्रा जी, रमन सर नहीं दिख रहे हैं, किसकी आवाज दे रही है, लाउड स्पीकर पे नहीं आ रहे हैं, रमन सर नहीं दिख रहे हैं, रश्मि जी सर मोबाइल चला रहे हैं सर, रमन सर से मेरी बात कराइएगा जरा, हां बिल्कुल बिल्कुल, रमन सर बिजी है, रमन सर बुला रहे हैं सर, रमन सर बिजी है सर, मेरी बात करा दीजिए रमन सर से, प्रदीप जी हाँ गुरु जी बताएं, पावला गुरु जी मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहें गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी ये बताइए मुझसे क्या गलती हो गई है, ये बताइए आप, मेरे कमेंट छोड़ के बाकी सबके पढ़ते हैं, गलती माफी अभी अभी औरों को मौका दिया जाए, बताएं प्रदीप का कमेंट सबसे पहले पढ़ा जाता है, प्रदीप गलत बोल रहे हो, सबसे पहले तुम्हारा ही कमेंट पढ़ा जाता है भाई, चलो काय मजा ले, अब अभी कौन जुड़ना चाह रहे हैं जल्दी बताएं, जल्दी से हैंड रेज करें, हैंड हाँ मुझे एक बच्चा और दिख रहा है गरिमा यादव जी के साथ में, रमन सर का मुझे पक्का लग रहा है कि फैन होगा ये भी सर सर मंजुल जी सर मुझे कुछ कहना है, जी जी बताएं सर, पहले आप लोग ये बताओ कि आप लोग शादी कब कर रहे हो, बिल्कुल पॉइंट वाली बात है ये, मुझे भैया ने बिल्कुल बिल्कुल ये मेन पॉइंट है, ये नहीं मेन एजेंडा है सर, बहुत अच्छी बात आपने कही और इसका जवाब सभी के मैं मैसेज करता रहता हूँ, मेरे दिमाग में बात आती रहती है कब इन बच्चों को ये जवाब देने का मौका मिलेगा, तो मैं एक मिनट के अंदर अपनी बात कहना चाहूंगा, समाप्त करना चाहूंगा, वी आर वेटिंग फॉर यू, हम तीन लोगों को ईश्वर ने जिम्मेदारी दे दी है और वो जिम्मेदारी पूरी करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, और वो कर्तव्य जिम्मेदारी है आप लोगों का भविष्य बनाना, जिस दिन मुझे ये लग जाएगा कि हमसे जुड़े जितने भी बच्चे वो सभी लोग सेलेक्ट हो रहे हैं अच्छी जगह, अपनी मन चाहा जगह पे पहुंच रहे हैं, हम लोग शादी कर लेंगे, वरना आप लोगों की कसम ऐसे कुंवारे रहेंगे गुरु माताओं की तो जिम्मेदारी लेवाना है, अब ये अब हम लोग किस, तो चलिए फिर अभी आते हैं पॉइंट पे, आशीष सर सब लोग जुड़ गए, एक लोग वीडियो ऑन करते रहिए, आप लोग सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, रमन सर कहाँ गए सर, वरना बाद में ये रिकॉर्डिंग में जाएगा तो ऐसे रमन सर नहीं दिख रहे हैं, वीडियो सब लोग ऑन रखो ताकि चेहरे सबके हंस के मुझे, तो प्रदीप आवाज आ रही है, हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, दीपक जी बताएं अखंड सर कहाँ गए, सर सर नमस्ते सर, मेरी आ रही है सर, शुभम जी इसके बाद आप ही के पास आ रहे हैं सर, हाँ, मेरी आ रही है, डीजे आ रही है, हाँ दीपक जी बताएं, डीजे सिंगल गुरुदेव है वो, हाँ मैं एक बार और सपना वे अखंड सिंगल गुरुदेव है वो, सपना कौन जी बताएं, दीपक जी सर वो अम्मा अम्मा वाला डायलॉग बताओ, आपकी आवाज मत चिल्लाओगे, दीपक जी आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, दीपक वॉइस हाई करो यार, हैप्पी बर्थडे सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, अरे भाई खुशी से करो यार, रोके काय कर रहे हो, खुशी तो तब होगी जब सिलेक्शन हो जाएगा, तब खुशी होगी, ज्वाइनिंग भी जाएंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल, असली असली केक का तो तब मजा आता है खाने में, हाँ जब सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन ही क्या चिंता कर रहे हैं, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा है ना, तो आप
आप लोग आप देखिए जितने बच्चे सिलेक्शन लोगे, अभी सपना जी ने बोला कि इस 400 किलो का केक, तो उतना किलो का नहीं, लेकिन जितने आपका वेट है और जब आप सिलेक्शन ले लोगे तो आपके वेट के हिसाब से उतने ग्राम का केक जरूर कटवा देंगे। ठीक है सर, ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे सपोज फॉर इंस्टेंस कि प्रगति जी मान के चलो कि 55 किलो की है, तो इनके इनके सिलेक्शन पे क्या होगा, 55 ग्राम का केक कटेगा। ठीक है, ये तो चीटिंग हो गई सर। हेलो, चीटिंग हो गई सर। हेलो बताएं। हेलो हाँ बताएं बताएं सर, मेरी मम्मी हैप्पी बर्थडे बोलना चाह रही हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी को, पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद। प्रणाम माता जी, कैसे हैं आप? हैप्पी बर्थडे सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके आशीर्वाद पाके मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा। थैंक यू। बच्चा आपका बहुत होशियार है, मंजुल जी पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और बहुत जल्दी आपको कुछ लोग सुनाने वाले हैं। जल्दी से शादी वादी इनकी कर दी है कि नहीं? मंजुल जी की शादी आपने कर दिया है कि नहीं माता जी? आप मुझे सुन नहीं पा रही है लग रहा है। हाँ, अब सुने। हाँ, आपने मंजुल जी की शादी करवा दी कि नहीं? अभी अभी नहीं हुई है। अभी नहीं तो इसी बार ये नौकरी लेगा, उसके बाद इसे एक छोकरी दिलवा दीजिए आप। हाँ बिल्कुल। और पढ़ने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसके सारे क्वेश्चन सही होते हैं, टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर होते हैं, बहुत ही होनहार बच्चा है, बहुत अच्छी जगह जाएगा बहुत जल्द और नाम ऊंचा करेगा। और हम लोग का भी पूरी दुआएं हैं, आशीर्वाद है, पूरी मेहनत है, सिलेक्शन बहुत ही है। अब ये जितनी जल्दी आपकी वैकेंसी और क्लियर हो जाती है, मान के चलिए पहला सिलेक्शन यही लड़का है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, आप लोग के साथ हम लोग, हमारा भी आशीर्वाद है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे मम्मी जी थैंक्स फर्स्ट। अरे मम्मी जी थैंक्स फर्स्ट। खुश रहिए। बहुत अच्छा लगा कि ये पूरा एक परिवार, बहुत अच्छा आप भी जुड़ रही हैं, बच्चे भी अभी कुछ बच्चे भी जुड़े, तो वो हो ना, मैं एक बात बोलता रहता ना, सभी को बुला लो, हित मित्र नाथ रिश्तेदार, तो यहाँ पे आ गए सर हम लोग, हित मित्र नाथ रिश्तेदार सभी लोग आ गए और बहुत अच्छा लग रहा है, मंच पूरा परिवार ही है एक। और पढ़ने का मजा, आगे बढ़ने का मजा, सफलता का असली मजा तभी आता है जब हम साथ में आगे बढ़ते हैं, हम सभी की खुशी जब शेयर होती है, और होता है ना कि घर में एक चिराग होता है वो सिलेक्शन लेता है, भविष्य वो अपना बना रहा होता है, लेकिन माँ बाप परिवार सबसे उसकी आशाएं जुड़ी होती है और उसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा सुख का दिन आज उसका रहा है, क्योंकि हर माँ और बाप ये सोचती है कि नहीं आज मेरा बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो गया, मेरी टेंशन खत्म। एक माँ होती है, मेरी भी मम्मी कहती रहती है, जैसे माता जी आप है तो मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, हम चार भाई हैं तो ऐसा होता है ना कि आप मम्मी इसी ज्यादा प्यार करती हो, हम एक कम प्यार करते हो, तो मम्मी का कहना होता है बेटा मैं उससे ज्यादा प्यार करती हूँ जो सबसे कमजोर होता है ना, जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता जाता है, और जो बच्चा, ये बात भी हकीकत है, मैं भी रियलाइज किया हूँ, भाइयों में जो सबसे कमजोर होता है माँ का प्यार उसकी तरफ ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है, प्यार तो सबके लिए बराबर होता है, लेकिन जो केयर और इसीलिए माँ सबसे ज्यादा खुश होती है जिस दिन उसका बच्चा सेलेक्ट हो जाता है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, बहुत ही विनती करूंगा कि बहुत जल्द आपकी जिंदगी में भी वो उजाला, वो चिराग लेके आए, बहुत जल्द इन भाई साहब का सिलेक्शन हो, और फिर आपकी एक जिम्मेदारी शादी वाली भी, वो भी आप बहुत जल्दी से इसकी निभाएं। सब करेंगे, चलिए आप लोग के साथ हमारी भी शुभकामना है। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए थैंक यू। ठीक है जी, और कोई मित्र कुछ कहना चाह रहा हो क्या? हाँ हाँ अनाउंसमेंट अब करिए ना, तो कह दो सर से अनाउंसमेंट, जवाना हो बताओ, बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ बच्चे सर अनाउंसमेंट करिए ना, प्रदीप कह रहा है कुछ डांस करने की, अनाउंसमेंट की लिस्ट मेरे सामने है। हाँ सर करिए ना अनाउंसमेंट अभी, नहीं तो सारे सारे बच्चे धीरे धीरे गायब होते जाएंगे, 21 ही है अभी। हाँ सर ठीक है, तो चलिए अभी अनाउंसमेंट कर दिया जाए सर। हाँ सर ठीक है
तो अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो रिजल्ट आपका घोषित हो रहा है इसमें मिलने क्या वाला है, क्या दे रहे हैं आशीष सर बताइए, क्या दे रहे हैं इन बच्चों को? 75% ऑफ तो पहले ही दे रहे हैं आप, इतनी कंजूसी मत करो, बस तो अलग से दे दीजिए इन्हें, इनकी मर्जी जो चाहे वो ले ले। क्या चाहते हैं आप बताएं, जिनका भी नाम सिलेक्टेड है इस लिस्ट में वो क्या चाहेंगे अगर आपका नाम सिलेक्ट होता है तो? जिनका नाम सिलेक्ट ना हो उनके लिए पहले अनाउंस कीजिए सर। अरे आप बताएंगे तब तो नाम लेंगे, पहले नाम तो अनाउंसमेंट कीजिए। ऐसा भी हो सकता है किसी की डिमांड ज्यादा हो तो चुपके से लिस्ट में उसका नाम मैं निकाल दूं। और सर जिसका नाम ना हो तो? हाँ जिसका नाम ना हो लिस्ट में वो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगली बार उसका लिस्ट में नाम आ जाए, साम दाम दंडवेद लगा दूंगा क्योंकि मेरा नहीं होगा, आई नो दैट। अरे ऐसे कैसे, चलिए मेरा भी नहीं है। चलिए चलिए बताएं क्या चाहेंगे आप? नहीं है वो जिसका नहीं है उसका सिलेक्शन होगा, जिसका नहीं है उसका मैंने बताया ना कि अगली बार जो ये मंजुल तुम्हें तो सर बोले है ना, सबसे पहले तुम्हारा ही होगा सर, जिसको नहीं नहीं सबका हो वो तो बात की बात है सर, डिमांड वाली बात तो अलग है, पहले आप रिजल्ट घोषित कीजिए। चलिए सर नाम ले लेते हैं आशीष सर। जी सर, ये जो है ये मैं पहले बता दिया हूँ कि ओवरऑल यूट्यूब टेलीग्राम टेस्ट परफॉर्मेंस सबको सम्मिलित करके लिया गया है, इसमें मैं 10 लोगों के नाम यहाँ पे मैं चुनूंगा और उस 10 लोगों को टीम की तरफ से कोई भी कोर्स आपका मन चाहा कोर्स निशुल्क दिया जाएगा। ऐसे सुन लीजिए, कोई भी कोर्स जो आप चाहते हैं एक कोर्स निःशुल्क दिया जाएगा। इसके आगे जो आपकी डिमांड होगी वो हम लोग उस पर विचार विमर्श कर लेंगे। तो नाम है सबसे पहले श्रुति चौरसिया जी का। श्रुति चौरसिया जी यहाँ पे हैं क्या? श्रुति नहीं है सर, श्रुति चौरसिया जी यहाँ पे नहीं है। इनके बारे में कुछ शब्द मैं ये कहूंगा कि इनको YouTube पे भी बहुत ज्यादा वॉच किया जाता है, हमेशा इनके कमेंट अच्छे होते हैं और लगातार टेलीग्राम वाले क्विज में भी इनके टॉप कई बार रैंक आए हैं। तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, बहुत डिसेंट बच्ची है ये और बहुत डिसिप्लिन्ड बच्ची है, इस कारण से इसका नाम इस लिस्ट में आया है। मैं नाम चुन रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ये 10 लोग सभी एक ही पैरामीटर पे हैं, ये एक 10 की लिस्ट है और 10 लोग बराबर हैं, ठीक है ना। दूसरे पे नाम आ रहा है सपना जी का। सपना जी है जी, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, पैरामीटर ये है कि चंचल होने के साथ साथ पढ़ने में बच्ची बहुत अच्छी है, क्विज टेलीग्राम पे हो रहे हैं वहां पे इसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं लगातार, साथ में ही यूट्यूब पे भी जब क्विजेस होते हैं तो वहां पे भी क्या होता है इसके हमेशा क्वेश्चन सही होते हैं, अन्य भी बहुत सारी चीजें है ना जिसके कारण से लिस्ट में इसका नाम आया है। थैंक यू सर। नाम मैं अनाउंस करना चाहूंगा, हाँ तो आप सपना जी अपने मन पसंदीदा कोई भी एक कोर्स चुन सकती हैं, बाकी आप आगे बताइएगा। तीसरा नाम आता है प्रतीक जी का, प्रतीक त्रिपाठी यहाँ पे हैं क्या? प्रतीक त्रिपाठी जी यहाँ पे नहीं है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सर है नहीं, जुड़ नहीं पाए हैं, ठीक है। चौथा नाम आ रहा है प्रदीप वर्मा का, ये लड़का भी बहुत होनहार है, बहुत ही शरारती है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये किंग भी सभी का बने, मतलब सारी चीजों में देखा जाए 19 से 20 बनना बाकी है, 20 कब बनेगा जब सिलेक्शन ले लेगा, तो शरारत में भी सबसे आगे है ना, पढ़ाई में भी सबसे आगे है, मार्क्स भी इसके सबसे अच्छे होते हैं, नॉलेज भी इसकी टू गुड है, और नॉलेज के दो पैरामीटर होते हैं, एक होता है कॉन्सेप्ट एक होता है फैक्ट, फैक्ट बेस पे इस बच्चे की नॉलेज बहुत अच्छी है। मैं थोड़ा यहाँ पे सुझाव भी दूंगा इसे, अपना कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बढ़ाओ, बहुत अच्छे जाओगे, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आगे जाओगे, बहुत डीप आपका जो नॉलेज और लेवल ऑफ फैक्ट का है वो बहुत अच्छा है। तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको, बहुत बहुत बधाई टीम की तरफ से कि आप इस 10 लिस्ट में। जी प्रदीप जी, जियोग्राफी और इकोनॉमी ले डूबती है मुझे, जहाँ भी ले डूबती है इकोनॉमी और जियोग्राफी। जी कोई दिक्कत नहीं, वो भी हो जाएगा आपका, तैयार हो जाएगा, मेहनत आप करिए, साथ हम लोग देंगे, एकदम परेशान नहीं हो, शादी कर लो इकोनॉमी और जियोग्राफी से। जी आपको भी अगर ऐसी बात है तो अगला नाम आपका ही है मंजुल जी, तो इस लिस्ट में जो अगला नाम है वो मंजुल जी का है, और ये भी उन्हीं लोगों में है जो पावर स्टेशन, हाँ जैक ऑफ ऑल वाले में,
और सारे चीज में और देखा जाए तो अगर नॉलेज लेवल की बात किया जाए और इवन कॉन्सेप्ट लेवल की बात किया जाए तो कॉन्सेप्ट भी आपका बहुत अच्छा है जहां तक हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, नॉलेज भी आपका बहुत अच्छा है और साथ में ही आपका शरारत करने का तरीका भी बहुत अच्छा है ना। एक मर्यादा के अंदर रहते हुए और शरारत कर जाना और हंसते खेलते आगे बढ़ते रह जाना, ये आपको औरों से अलग अलग रखता है ना। तो ये मैं आसमान में उड़ने लगा बात है। तो बहुत बहुत बधाई आपको भी, लिस्ट में आपका नाम है। मैं चाहूंगा आप आगे बढ़ते चले जाएं, नीचे आ जाओ। चलिए नीचे आ जाओ। इसके बाद आते हैं हम, पकड़ना भी चाहिए, कौन पकड़ने वाला ऊपर। इसके बाद आते हैं जो अगला नाम है आशीष तिवारी जी का, यहाँ पे हैं आशीष तिवारी जी। अच्छा सर, जिन जो बच्चे यहाँ पे नहीं हैं उनको ये मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिएगा, हाँ यूट्यूब पे ये चीज अपलोड कर देंगे। इसलिए बोल रहे हैं आप लोग चेहरे दिखाते रहो, वरना बाद में केवल डब्बे दिखोगे काले काले से और कुछ नहीं वहां पे आएगा। हाँ ठीक है, तो चलिए आशीष तिवारी जी नहीं है तो इनको बहुत बहुत बधाई आशीष तिवारी जी को टीम की तरफ से। इनके बारे में भी कुछ टिप्पणी करूंगा कि सारे क्वेश्चन के सही होते हैं ना और नॉलेज बहुत अच्छा है, क्वेश्चन के साथ साथ हमेशा एक नया इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनका पढ़ाई का बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी बच्चा सेलेक्ट भी होगा। अगला नाम जो आता है वो विनिशा जी का आता है। विनिशा जी यहाँ पे हैं, ये भी यूट्यूब के माध्यम से ही ज्यादा कनेक्टेड हैं, किसी कोर्स में भी जुड़ी हैं ये सर। अच्छा तो विनिशा जी भी हैं, इनका भी नॉलेज बहुत अच्छा है। अगला जो नाम आ रहा है वो राहुल सिंह जी का है। राहुल सिंह जी यहाँ पे हैं जी, गुरु जी हम जाएंगे। तो ये बच्चा भी उसी जैक ऑफ ऑल किंग ऑफ नन में है ना। और मैं चाहूंगा कि किंग ऑफ ऑल बने, जैक ऑफ ऑल तो रहे ही रहे, और उतनी ही शरारत, उतनी ही मस्ती, उतना ही अच्छा नॉलेज, उतना ही डेडिकेशन, उतना ही सब कुछ। बस एक चीज बोलूंगा बेटा, सुट्टा फूकना छोड़ दो। अरे हमारा नहीं गुरु जी, हमारा दारू पीना स्टार्ट कर दो, सुट्टा छोड़ दो, दारू पीना स्टार्ट कर दो। जिंदगी है, एंजॉय करो, लेकिन कम है ना, तो शरीर को हानिकारक ना हो, ऐसे सेहत सर्वप्रथम। और उसके बाद बहुत अच्छा है, आपके बारे में जितना भी कहा जाए कम है, बहुत अच्छी नॉलेज है आपकी, बहुत ही डेडिकेशन है, बहुत ही आप मेहनती हो, और टीम बहुत बहुत बधाई देती है आपको और एक आपको आश्वासन भी दिलाती है कि आपके साथ हमेशा खड़ी है। कैसे भी आपको समस्या है आप टीम के समक्ष रख सकते हैं, कोई भी बच्चा कोई भी है यहाँ पे, कभी भी कोई भी समस्या आती है टीम के समक्ष रख सकते हो किसी भी प्रकार की, और आप लोग बस आगे बढ़ते जाओ, एक उद्देश्य आपको बना लेना है बस, ठीक है। अगला नाम लिया जाए, अगला नाम है अदिति सोनी जी का। अदिति सोनी जी यहाँ पे है नहीं, और ठीक है, अदिति सोनी जी को भी YouTube से सॉर्ट किया गया है, इनके क्वेश्चन वहां से बहुत ज्यादा सही होते हैं। एक अगला नाम है जो अंतिम है वो बोलेंगे अवनीश भावना, कोई छूट नहीं रह सकता, अवनीश भावना त्रिपाठी जी का, ये भी YouTube की। राहुल दिव्या नहीं है, राहुल दिव्या नहीं है, हाँ जी है। तो यहाँ पे अवनीश भावना त्रिपाठी जी, ये भी YouTube के माध्यम से इनको सॉर्ट किया गया है, और पढ़ाई में इनका भी नॉलेज बहुत ही साउंड है, बहुत ही अच्छा है। तो मैं चाहूंगा कि ये भी बहुत जल्द सिलेक्शन ले, और टीम बहुत बहुत बधाई देती है। मैं फिर से बोलूंगा कि यहाँ पे जो 10 लोग हैं, ये 10 लोग आपका, कुछ नाम छूट रहे क्या मेरे ख्याल से, हाँ सर, एक आंचल, आंचल जी का नाम इसमें लिस्ट में है सबसे लास्ट में, हाँ आंचल जी, आंचल गुप्ता। हेलो जी, आपका भी नाम इस लिस्ट में है, तो आपका भी बहुत स्वागत है। आपका चेहरा नहीं दिख रहा है सर, मेरा मोबाइल थोड़ा सा खराब हो गया। अच्छा कोई नहीं, अगली बार वो चप्पल लेकर खाने चाहती हूं, वो चप्पल आपका ये 75% ऑफ मिल रहा है, और एक कोर्स आप मन चाहे अपने उससे ले सकती हैं, तो उससे जो दाम बचेगा उसे मोबाइल लेने में आप ले लीजिएगा। ओके सर, ठीक है, ठीक है, कोई नया कोर्स। तो ये नाम है, बहुत बहुत बधाई आपको भी टीम की तरफ से, और इन नाम जितने भी नाम यहाँ पे लिए गए हैं, इसका मतलब मैं पहले बता दूं, जिनके नाम नहीं लिए गए उनमें कमी है, ऐसा एकदम नहीं है, बस ये है ये बच्चे ज्यादा नजर में रहते हैं। ऐसा भी होता है कुछ बच्चे क्या होते हैं, साइलेंट किलर जिनका नाम बोला जाता है, चुपचाप पीछे बैक बेंचर की तरह रोल प्ले करते हैं, और जब वो बम फूटता है ना एकदम तहलका मचा देते हैं, हिरोशिमा नागासाकी से ज्यादा खतरनाक, वहां पे पूरा झटका लगता है। ऐसे भी बच्चे होते हैं, वो छुपा रुस्तम से होते हैं, लेकिन उनका दिखता एक ही बार है,
बोलते ना बार बार छोटा छोटा एक उसपे प्रहार क्या किया जाए, एक कम कस के प्रहार कर दिया जाए। सौ सोनार की एक लोहार की, तो वो कहानी उनके साथ सिद्ध होती है। तो ठीक है, आप लोहार वाला दम लगाते रहो और आपका भी स्वागत है। मैं जान रहा हूँ ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनका हम लोहार ही हैं, जैसे लेकिन नाम में सार्वजनिक जैसे सुमन शर्मा हुआ है ना, आशीष सर आप भी मुझे नाम दिलाइए याद दिलाइएगा, राहुल प्रजापति हुए है ना, अमर सिंह जी हुए और सिंह दिव्या जी हुई, हाँ ये सारे नाम, और एक नाम मुझे याद आ रहा है लेकिन सोनम जी हुई, हाँ सोनम का भी बहुत अच्छा हो रहा है, सोनम कुमारी और सोनम सोनम दिव्या जो भी हो, और एक सोनम पता नहीं कहाँ है, प्रगति जी हुई, हाँ एक सोनम जुड़ चुकी है, सोनम पांडे, हेलो हाँ क्या राहुल प्रभा पांडे, ये भी वाले में है जी, आपका म्यूट आ रहा है सोनम जी मेरे ख्याल से, कौन सी सोनम म्यूट करिए, अनम्यूट ना करना म्यूट, सोनम सोनम पुष्प प्रभा पांडे, सोनम देखो देखो आजिर हो कैसी हैं सोनम जी, आप आपकी आवाज बहुत लैग कर रही है, कैसे नेटवर्क इशू है, ये आचार्य सोनम है क्या, हेलो नहीं ये आचार्य सिंगल कॉमन है, प्रदीप आचार्य सोनम है क्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नहीं ये तो पुष्प प्रभा पांडे सोनम पुष्पा पांडे माँ कन्या, अरे भाई बस सुन लिया सुन लिया, अरे उनको ही बता दीजिए ना, हाँ आचार्य जी है तो बोलने दो भाई, हाँ तो मैं कुछ हिडन नाम ले रहा था, हाँ तो उसमें जैसे सोनम पुष्पा पांडे हुई और सोनम जी हुई जो दूसरी सोनम सेकंड, सोनम सोनम द्वितीय, आपका पूरा नाम क्या है सोनम जी, कुमारी हाँ के एम सोनम, प्रगति जी हुई, रश्मि जी हुई, ये ऐसे लोग हैं जिनका नाम है ना अलग ही नजर में हमेशा रहता है, एक सर नाम मुझे और याद आ रहा है वो मेरी जुबान पे नहीं आ रहा है, पांडे जी आ गए सर, एक लड़की ही है सर, रात में 10 वाले भी क्लास में रहती है, 9 वाले भी क्लास में रहती है जी, आईसी कोर्सेस है, सोनम पांडे आ गए हैं सर, नाम नहीं याद आ रहा है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ एक्सक्यूज मी सर, सर मैं अमित सिंह बोल रहा हूँ सर, मेरी क्वेरी थी सर, हाँ सर जो एसआई कॉन्फिडेंशियल की जो वैकेंसी है सर, इसमें प्रेफरेंसेस क्या डालना चाहिए, प्रेफरेंस में जो आपके पास एलिजिबिलिटी है और पोस्ट ज्यादा है, उस एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जिसमें पोस्ट ज्यादा है उसे नंबर एक पे डालिए, जैसे सबसे ज्यादा जो पोस्ट है आपका एएसआई क्लर्क का है ना, क्लर्क और स्टेनो वाला, तो अगर आप वहां पे एलिजिबल हैं तो उसे पहले डालिए, आप विजिलेंस वाले को बाद में डालिएगा, वहां पे पोस्ट केवल 32 है, टोटल कुल मिला के 52 है, तो उसे पहले मत डाल दीजिएगा, क्योंकि पहले आपका प्रेफरेंस के हिसाब से सॉर्टिंग होगी, नंबर ज्यादा होते हुए भी कहीं आप धोखा ना खा जाओ, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है सर, जैसे मैं मुझे स्टेनो भी आती है, एक्चुअली मैं वर्किंग हूँ, मुंबई में मेरी पोस्टिंग है सर, एसएससी के थ्रू हुआ था, कोई नहीं पर्याप्त समय मिल जाएगा आपको स्टेनो सीख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, नहीं सर शॉर्ट हैंड मुझे आती है सर, मैं स्टेनो ही हूँ करेंटली मेरे मुंबई में, तो मुझे ये जानना है कि प्रेफरेंस क्या डालना चाहिए, एएसआई कॉन्फिडेंशियल को पहले प्रेफरेंस देना चाहिए कि एएसआई क्लर्क को प्रेफरेंस देना चाहिए, देखिए पहले तो एएसआई क्लर्क का दीजिए, लेकिन अमित जी ये चर्चा फोन पे आप कर लीजिएगा, अच्छे से समझा देंगे, ठीक है ना जी सर, हाँ इसे अच्छे से, क्योंकि थोड़ा ये टाइम ले जाएगा और कई बार मुझे मैं भी कई सारे प्रश्न आपसे पूछूंगा, तो थोड़ा यहाँ पे टाइम ले जाएगा, इसे हम लोग फोन पे बात कर लेंगे, हाँ तो इतने सारे नाम है जी, सोनम जी आप कुछ कह रही थी, हैंड रेज कह रहे हैं, बताए जी सर, हेलो सोनम प्रथम और सोनम द्वितीय, मैं पहले सोनम प्रथम का सुन लेता हूँ फिर द्वितीय पे आता हूँ जी, पुष्पा पांडे जी बताएं, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, मैं ये कह रही थी आज किसका ऑथर दिवस है, हां अरे ये दरोगा वाली है, आलोक सर का है, सोनम दरोगा आलोक सर का है, आलोक सर का सोनम आलोक सर का है, आप मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न लगता है कि 20वीं बार पूछी है, और मेरा दिमाग सही काम कर रहा है, तो टेलीग्राम पे भी 4-5 बार पूछा गया है, और सर हाँ सर मैं पहली बार, हाँ हाँ पहली बार पूछ रही है सर,
पहली बार मुझसे पहली बार पूछ रही है, लग रहा है कि पहली बार पूछ रहे हैं। रात में जब बोल रहा था क्या क्या बोल रहा था, मुझे तो होश ही नहीं है। आपको होश नहीं रहेगा सर। रात में सब हैंगओवर थे सर। रात में हैंगओवर जाते हो गए सबसे ज्यादा सर। ये जी पीता है। हाँ तो सुनम जी बहुत पीता है, आप बताइए। अभी भी लेटा हुआ था कुसम, अभी भी देखो उठ नहीं पा रहा है। हाँ सोनम जी बताइए। लेटा हुआ था उठ नहीं पा रहा है। जी हेलो। हाँ बताएं सर। मैंने आपका कोई भी बैच नहीं लिया है, लेकिन मुझे परीक्षा प्लस टीम बहुत अच्छी लगती है और इसी वजह से सारी क्लास देखते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज मौका है और तो थोड़ा दुर्भाग्यशाली रही कि आज लिस्ट में नहीं था, वरना आज मौका बन जाता आपको ग्रुप में जुड़ने का, किसी पेड ग्रुप में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन फिर भी 25 बहुत न्यूनतम है। अगर आप चाहते तो सर मेरा टारगेट अलग है तो इसीलिए। अच्छा ठीक है, किसकी तैयारी कर रही सुनम जी आप? सर टीजीटी। टीजीटी की तैयारी करिए। चलिए पूरा आशीर्वाद आपके साथ है और पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप अपने लक्ष्य को बहुत जल्द से जल्द प्राप्त कर ले। इस बार तो हम लोग टीजीटी का बैच नहीं चला रहे, लेकिन जल्दी कोशिश रहेगी कि आप जैसे होनहार बच्चे भी छूटे नाम से, है ना। कोई भी बच्चा छूटा तो संकल्प टूटा, ऐसा समझ लीजिए परीक्षा प्लस का। जी 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 हाँ बताए अभी दीपक जी। हेलो जी। अच्छा जी बताए सर, मुझे लगा कि मेरा भी लिस्ट में आज नाम नहीं आएगा, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ। अरे नहीं आपका नाम है, नहीं आ गया लास्ट में आया था ना, तो मुझे लगा कि मैं दुर्भाग्यशाली हूँ। हेलो, लिस्ट दिख नहीं रही है क्या? हाँ दिख रही है। अच्छा जी हाँ बताए। हेलो जी बताए दीपक जी। सर जो टेलीग्राम पे आपका जो चैनल है उसी पे सर जो टेस्ट पेपर होता है 5 बजे, हाँ हाँ, तो वो कहाँ पर शो होता है टेलीग्राम में? टेलीग्राम की परीक्षा प्लस ग्रुप, परीक्षा प्लस ग्रुप से जुड़ जाइए सर। वो तो मैं ज्वाइन हूँ, वो तो ज्वाइन हूँ। जो आपका टेलीग्राम पे टेस्ट नहीं होता जो आप 5 बजे कराते हैं? हाँ हाँ 4 बजे। अरे जब टेस्ट होने वाला होता है तो ग्रुप पे थोड़ा भूकंप सा आता है, बवंडर हिल जाती है पूरी दुनिया, तो आपको थोड़ा झटका लगना चाहिए। पता ही नहीं चलता कब स्टार्ट हुआ कब एंड हो गया। उसमें आपने नोटिफिकेशन कर रहा होगा, मुझे तो लगता है कि कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे पता नहीं लगता होगा, इतना तो वहाँ पे तूफान आ जाता है। सर मेरे टेलीग्राम में शो नहीं होता सर। ठीक है आप पर्सनली कॉल कर लीजिएगा तो देख लीजिएगा आपका इशू क्या है। सर मुझे भी शो नहीं आ रही है। रीति यादव को भी नहीं शो कर रहे। आप भी जिनको भी टेक्निकल कोई भी इशू होगा आप जो नंबर होते हैं उस पे कॉल कर लीजिएगा, आपका इशू सॉल्व करा दिया जाएगा। अभी बताएं, अभी दीप्ति त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रही थी, बताएं दीप्ति जी। सुन पा रही हैं आप मुझे? चलिए सोनम जी हाथ उठा रही हैं, कुछ कह रही थी सोनम जी बताएं। कौन सोनम? सोनम प्रथम। मैं फर्स्ट टाइम इस पे आई हूं जो मैप पे, तो ये कौन से लिस्ट की बात हो रही थी, किसका नाम नहीं आया ऐसा वैसा, ये क्या चीज था, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आपकी आवाज बहुत स्लो और रुक-रुक के आ रही है सोनम जी। सर मैं ये बिल्ली वाली बलिया की लिस्ट में आया। आपकी आवाज एकदम क्लियर है। चलिए कॉल से बात कर लेंगे सोनम जी, आपकी समस्या मैं सुन लूंगा, ध्यान है। हाँ शुभम जी, शुभम जी कुछ कहना चाह रहे हैं बताए। हाँ अब म्यूट हो गया आपका, म्यूट हो गया, देखिए अब ठीक है। हाँ हाँ बताएं। कल मेरे टेलीग्राम पे कुछ नहीं आती, मैं अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाया हूँ। टेलीग्राम पे कुछ नहीं आता? नहीं कोई, एक बार हुई थी उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। ठीक है तो ब्लॉक हो गए होंगे, ब्लॉक हो गए। टेक्निकल इशू के लिए आप अलग से कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? ब्लॉक हो आप जी। धीरे चला तो नहीं अरे राहुल भाई कहाँ है, बड़े शांत बैठे हुए हैं। हाँ म्यूट है राहुल, म्यूट है भी। अरे हाँ। अरे राहुल को आवाज तो जा रही होगी। चलिए ठीक है राहुल, म्यूट है। मेरे ख्याल से कोई और भी बात करना चाहेगा, कुछ बच्चों से बात नहीं हो पाई है सर, मुझे कुछ बोलना है। रश्मि जी बताएं। हैप्पी बर्थडे सर मेरा। धन्यवाद धन्यवाद राहुल प्रजापति जी। हाँ रश्मि जी बताएं, आते हैं राहुल प्रजापति जी। हैप्पी बर्थडे सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आते हैं आप पे, पहले रश्मि जी की बात सुन ले, आते हैं आप पे।
सर मेरे प्रिपरेशन में थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड हो गया है. हां एक्चुअल में मेरी प्रिपरेशन थी 2006 और 7 और आईएएस पीसीएस की प्रिपरेशन के साथ में शादी हो गई थी. फिर उसके बाद ड्रॉप कर दिया था मैंने. बट अभी फिर से उठाए हैं तो थोड़ा सा गाइडेंस की भी जरूरत थी क्योंकि तब के कोर्स में और अब के कोर्स में काफी डिफरेंस हो गया है. किस कोर्स की बात कर रही हैं? क्यों ले रही हैं? दिख क्यों ले रही हैं ये? रश्मि जी आपकी आपकी तस्वीर नहीं आ रही है, बच्चे ऐसा बता रहे हैं. जी सर वीडियो लोग नहीं देख नहीं पा रहे. क्या करूं मैं, ऑन नहीं हो रहा है वीडियो. रश्मि जी नीचे देखिए पैनल पे दिया हुआ है. कोई नहीं ठीक है रश्मि जी. अभी कोई ऐसी इशू आती है मतलब कुछ अगर चेंजेस तो ये हम लोग फोन पे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा तो समझा दिया जाएगा आपको. कोई टेक्निकल इशू आपको देखूं कैसी लगती है आप दिखा दीजिए. नहीं ऑन नहीं हो रहा है सपना. मैं क्या करूँ, ट्राई करिए. ठीक है कोई नहीं फिर हो जाएगी कभी. तो ये जो आपकी तो सर इसका समाधान मैं सही से समझ नहीं पाया. सर प्रश्न क्या था? सर क्वेश्चन ये था कि 14 इयर्स का लॉन्ग पीरियड हो गया है. हाँ गैप हो गया मेरे प्रिपरेशन में गैप हो गया है तो क्या मतलब किस हिसाब से मुझे स्टार्टिंग करनी चाहिए? सोना बड़ी शांत बैठी है. सोना बड़ी शांत बैठी है. मैं यहाँ पे एक कविता फिर से सुनाना चाहूंगा. मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग गया होगा. अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है ना. 14 साल हो जाए या 24 साल हो जाए इंसान के अंदर एक होती है इच्छा शक्ति. और अगर वो इच्छा शक्ति जीवित है तो वो इंसान अपने जीवन में किसी भी समय पे कुछ भी बदल सकता है, एक इतिहास रच सकता है. बस चाहिए इच्छा शक्ति. उस इच्छा शक्ति के साथ कड़ी मेहनत इसलिए 3 परीक्षा प्लस आपके साथ है. और यही नहीं आपको एक बस इस बात का भी सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि यहाँ पे आपको ऐसे नवरत्न दोस्त मिले हैं जो हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं कि क्या समस्या है हम अभी जल्दी जुड़ी हूँ परीक्षा प्लस से. मैं बहुत दिनों से नहीं देख रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे टाइम भी कम मिल पाता है ऑनलाइन आने का क्लासेस में. फिर बाद में देखती हूँ तो इस वजह से उतना कांटेक्ट नहीं रहता है सबसे. अच्छा कोई नहीं बाकी अगर आपको कोई ऐसा इशू होता है तो बाकी तो सबको समझाया जाता ही है ना. और ये 14 ये दिमाग में मत लाइए कि 14 साल का गैप हो गया. नहीं, गैप डजंट मेक एनी डिफरेंस है ना. जी सर भले गैप तो डिफरेंस क्रिएट करता है बट स्टडी के सर पार्टी दीजिए. सर पार्टी दीजिए. हाँ पार्टी दे दीजिए. भूखी पार्टी बच्चों के लिए ऐसा करिए. सर सुबह से नहा पार्टी दीजिए. सर वर्चुअली में क्या किया जाए आप लोग बताओ. वर्चुअली में कुछ अच्छा नहीं लगेगा. हेलो सर डांस करके दिखा दीजिए. सर डांस करके दिखा दीजिए. सर डांस करके दिखा दीजिए. सपना दीदी को डांस चाहिए. सर डांस करके दिखा दीजिए. डांस करके अभी आप लोगों के फरमाइश बहुत अच्छे. फिर आप कहोगे सर भालू बन के प्रदीप करता है ना. सारी चीजें यहाँ पे पूरी भी नहीं की जा सकती हैं. राहुल प्रजापति कहाँ है? राहुल प्रजापति हेलो सर. हैप्पी बर्थडे. शांत बैठा है, म्यूट बैठा है वो. क्यों भाई दीप्ति जी आपकी तस्वीर दिख रही है बच्चों को. ध्रुव बोलो. राहुल कमेंट गाली करता है यहाँ पर. बहुत शर्माता है ऑनलाइन सामने. जी बोले शर्मा रहा है. राहुल कौन शर्मा रहा है? ध्रुव शर्मा रहा है. क्यों शर्मा रहे राहुल जी? आप कुछ कह रही थी, कहाँ गई? देखो मुंह से हाथ हट ही नहीं रहा है ध्रुव का. राहुल क्यों? चलिए ठीक है, किसी और को कुछ कहना है. सर हाँ हाँ राहुल प्रजापति आपका नंबर था. कैसे है राहुल? बोलो. ठीक है सर. बस ठीक है ना. बस, इतना कोल्ड रिस्पांस. ठीक है सर. हेलो हालात अच्छे हैं? हेलो हाँ जी बताएं. आवाज एकदम प्रॉपर आ रही है. जी 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 सर. मैं सर ये रमन सर के परम चेले हैं क्या? हाँ वही है. वही है. हाँ हाँ यही है. अच्छा, सर, यही वही है. सही पहचाने आप. अच्छा अच्छा अच्छा. हेलो हेलो कैसे हैं राहुल जी? ठीक है सर. बढ़िया. कैसी चल रही तैयारी?
ठीक चल रही है सर। जी आपके रिस्पांस बहुत स्लो है, बहुत कोल्ड है, ऐसे आप कहीं शादी वादी मैसेज में रिस्पॉन्स का बहुत तेज है। नहीं सर जी बहुत तेज है, यहाँ पर बहुत धीमा है। हाँ सही कह रहे हैं, पता लगे आप कहीं लड़की पसंद करने जाएंगे, घर वाले पूछेंगे पसंद है, ठीक है पसंद है, बोलेंगे ठीक है पसंद है कि नहीं पसंद है। नहीं सर बोलेगा हाँ हाँ, पसंद है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दीप्ति जी एक बार आप पे आते हैं, आप फिर चली गई हैं, आपकी बात रह गई है। हेलो हाँ एक बार दीप्ति जी से बात कर लें फिर आते हैं, वरना चली जाती है। बताएं मेरी आवाज आ रही है आप तक? आई एम ऑडिबल टू यू? यस सर जी, बताएं करना था आपको। दीप्ति दिखो, दिख नहीं रही हो, आपका चलचित्र फिर से नहीं आ रहा है, सिनेमा बताए हेलो। देखो बच्चे यहाँ पे हैं तो गुरुजी को साइड में कर दिए, हाय है ना। कैसी हैं दीप्ति जी? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? बढ़िया। कैसी चल रही है तैयारी आपकी? चल रही है अच्छी, बस चल रही है, दौड़ाइए। इतने स्लो रिस्पांस में चल रही है, दौड़ाना है, दौड़ाइए दौड़ाइए। और अभी तो मौका है ना, अभी तो कुदरत ने भी समय दे दिया है। अभी हाल में जब ये 12th क्लास के बोर्ड की परीक्षा हटी, 10th की हटी, तो एक मिमीस आशीष सर वहां पे आया, जो जो बच्चे बोल वो बच्चे वाली मिमीस बहुत सर इतना अच्छा लगा, क्यूट से थे, बोलने अगर मोदी जी 7 साल की भी अगर स्कूल बंद करना पड़े तो हम देंगे ऐसा बलिदान, ऐसा कुछ था बलिदान, शायद आप लोगों ने देखा होगा। नहीं एक 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 मिमी और भी हो रही थी कि ऐसे बच्चे जिन्हें बोलते थे कि आपको भगवान ही पास करा सकता है, तो उन्हें भी यकीन हो गया होगा कि भगवान वाकई में है। तो ये बात सत्य है कि आपको भी एक मौका मिल गया है, ज्यादा समय मिल गया है, ज्यादा नॉलेज बटोरने का, पढ़ डालो 6-7 महीने की, बन जाओ आईएएस वाईएएस डीएम एसडीएम कहीं पे हैं, जहां पे जाओ वहां पे धूल उड़ने लगे, आगे पीछे सब लोग दौड़ने लगे। हम बनेंगे, हम बनेंगे सर, बिल्कुल 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 है ना, ये जज्बा होना चाहिए। तो इस समय जज बनेंगे करिए और आप लोग वो जज नहीं बनेंगे, जज नहीं बनेंगे, सीएम बनेंगे। अरविंद केजरीवाल को हटा के सपना बनेगी। निर्मल प्रकाश जी और दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं बताएं। निर्मल जी बताएं। निर्मल जी निर्मल कौन है? गायब हो गए? हाँ गायब है सर। नहीं नहीं है, बताएं निर्मल जी, आपका म्यूट है, म्यूट। म्यूट आ रहा है निर्मल जी आपका? निर्मल जी म्यूट आ रहा है आपका। हाँ अभी बताएं। अरे सर हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन की आपको। जी जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा मुझे लग रहा है मैं सुनने भी कम लगा हूँ, ऐसा है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल भैया, प्रणाम। अरे भाई साहब नमस्कार, नमस्कार सर, रात का असर है सर। अरे निर्मल भैया प्रणाम, शिव शिव। निर्मल भैया प्रणाम, निर्मल भैया भारी कैसे, निर्मल भैया भारी कैसी है, भारी की तबीयत कैसी है आप? ठीक है ठीक है। वो आपकी भाभी की तबीयत पूछ रहे हैं, अपनी नहीं, उनकी भाभी की तबीयत बताइए। चलिए और कोई कुछ